हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपना स्टडी ब्लॉग बिलियंस। तो आज की वीडियो में प्रश्न वाले 3.2 एनसीईआरटी का बुक है जो कि बोर्ड पे काफी इम्पोर्टेंट है और इससे 5 नंबर पक्के आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, सी का मान दिया हुआ, और आपसे पूछा गया है ए प्लस बी का मान क्या होगा, ए माइनस बी का मान क्या होगा और इतना इतना का मान क्या होगा। तो आज मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो a प्लस बी का मान पूछा गया था, मैंने ये a प्लस बी बराबर ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, दोनों को ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, जहाँ पर ये है उसका यहाँ से जोड़ देंगे, दो और एक क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा, तीन लिख दिया, और चार और तीन, चार तीन सात होगा तो सात लिख दिया, और फिर तीन और माइनस टू, दोनों को ऐड करेंगे क्या है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ पर तीन है, तीन में से दो जाएगा तो एक बचेगा, तो एक लिख देंगे, और फिर दो और पाँच सात हो जाएगा, सात लिख देंगे, और इस तरह से मैट्रिक्स पा देंगे। ये हमारा मान निकल गया, ए प्लस बी का मान निकल कर चला आया। अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे जैसे लिखा हुआ है ए माइनस बी, वैसे वैसे हम लिख देंगे, सारा क्वेश्चन लिख देंगे। तो ये मैंने लिख दिया क्वेश्चन, देखिए ए माइनस बी है तो ए का मान इतना, बी का मान इतना। अब इसको घटाना है, कैसे घटेगा, तो दो में से एक को घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक बचेगा तो एक लिख दिया, चार में से तीन को घटाना है तो कितना बचेगा, एक बचेगा तो एक लिख दिया, तीन में से माइनस दो को घटाना है, यहाँ माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस दो और तीन है तो कितना हो जाएगा, पाँच हो जाएगा, तो पाँच लिख देंगे, और फिर दो माइनस पाँच, माइनस पाँच में से प्लस दो घटाना है तो कितना आएगा, माइनस तीन आएगा, तो माइनस तीन। ये रहा सेकेंड का आंसर, ए माइनस बी का आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3a माइनस सी बराबर कितना होगा। तो ये क्वेश्चन है 3a माइनस सी, तो यहाँ पर 3a, 3a का मतलब हो गया तीन, इसमें गुना है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर 3 लिख देंगे आगे में, और a का मान जितना वो लिख देंगे, फिर माइनस का साइन है तो माइनस दे देंगे, और फिर c का मान जितना है उतना लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, कैसे हम सॉल्व करें, तो सबसे पहले गुना होता है तो गुना कर देंगे, तीन को सब में गुना करना, कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर तीन गुने दो तो छः हो जाएगा, तीन गुने चार तो बारह हो जाएगा, अब तीन तिया तो नौ हो जाएगा, और फिर तीन दूने छः हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब यू बना लेंगे, मैट्रिक्स बना लेंगे, और फिर सी का मान भी लिख देंगे, माइनस दो पाँच तीन चार। अब इसको घटाना कैसे घटाएंगे, छो माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दो हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस दो हो जाएगा तो सिक्स, और यहाँ पर प्लस दो है तो सिक्स और दो कितना होगा, आठ हो जाएगा, तो आठ लिख देंगे, बारह में से पाँच जाएगा तो कितना बचेगा, सात बचेगा, तो सात लिख देंगे, और फिर नौ में से तीन जाएगा तो कितना बचेगा, छः बचेगा, छः लिख दिया, और छः में से चार जाएगा तो दो बचेगा, तो दो लिखते हैं। इसी तरीके से ये हमारा आंसर निकल गया, 3a माइनस सी का मान निकल गया। आई होप